कि इसमें समस्त नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों के लिए ये वीडियो है। इसमें 27 और 28 को उनकी लिखित परीक्षा और 30 और 31 को मौखिक परीक्षा होनी है। 25 मई से मिलेंगे उन्हें एडमिट कार्ड। तो इस तरीके की जो न्यूज़ है यानी जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। ये 19 तारीख का आदेश है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से, और ये समस्त छात्रों छात्राओं के लिए है, जो ये उन्हीं के लिए है जो लोग पढ़ रहे हैं, बाकियों के लिए नहीं है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए है। देखिए यहाँ समस्त नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के लिए है, और यहाँ आप देखेंगे छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र में ससमय पर उपस्थित कराने के संबंध में है। और यहाँ बताया गया कि जानकारी अधिकृत वेबसाइट उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी .org पर उपलब्ध कराई जाएगी, और समस्त छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र प्रातः 9 बजे तक परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने की व्यवस्था आप अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी भी दशा में प्रशासनिक परीक्षा से वंचित होता तो उसका समस्त दायित्व स्वयं संस्थान का होगा, यानी संस्थान की पूरी जिम्मेदारी है कि वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचा सके। और परीक्षा केंद्र नियुक्त किए गए हैं उन्हें आप ये मुख्य परीक्षा और पूरक परीक्षा की बात यहाँ पर की जा सक रही है। या मई 2022 की समय सारणी के अनुसार परीक्षाएं होनी है, जो कि 5 मई को जारी कर दी गई थी। सूचना आपको हमने वीडियो के माध्यम से भी दी थी, और जून प्रथम सप्ताह में संपन्न कराई जाएगी। और ये समय सारणी लिखित परीक्षाएं जो हैं संशोधित समय सारणी शीघ्र ही कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर जो है वेबसाइट पर कराई जाएंगी। यानी मई 2022 हेतु पूर्व में जारी समय सारणी में लिखित परीक्षाएँ अपाहिज कारणों से जून प्रथम सप्ताह में संपन्न कराई जाएंगी। अब ये जून प्रथम सप्ताह में लिखित परीक्षाओं को संशोधित समय सारणी शीघ्र ही कार्यालय के अधिकृत वेबसाइट पर हैं। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि 27 और 28 तथा मौखिक व प्रतियोगिता परीक्षाएं की तिथि संपन्न कराकर मार्क्स इंट्री पैनल यानी आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, जो स्कूल परीक्षाएँ होती हैं, वो सारी की सारी अब इन डेट में होंगी। बाकी जो मई में होनी थी वो अब जून के प्रथम सप्ताह में कराई जाएंगी। तो ये लगातार डिले हो रहा है। और प्रवेश परीक्षाएं जो है प्रवेश पत्र आपको 25/5/2022 से आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएंगी। उसका तत्काल डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट डाक या कार्यालय को उपलब्ध करा दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 27-28 को इनकी जो है स्कूल परीक्षाएँ होंगी, उसी की प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षाएँ 30 और 31 तारीख को होंगी। और उसके बाद जो मुख्य परीक्षाएँ होती हैं वो जून के प्रथम सप्ताह में अब मई के बजाय जून की। तो आपने यहाँ पर देखा जून के प्रथम सप्ताह में। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।